बारिश देख सकते हैं आप इजीली। अब हम जा रहे हैं पोखर में नहाने, तो तालाब में सीन भाई थोड़ी शर्म से आ रही है, गमछा थोड़ा गया पड़ रहा है, कैमरा शायद पूरा क्लीन हो ना हो, बट मज़ा आने वाला है। देखो सबके ओ है ये तो भाई भाई हमारा यहाँ तो भाई ऐसे चलते हैं, बट मैं नहीं चल रहा, मेरे को बड़ा शर्म से आ रही है। और देखो बारिश का मौसम, सेकेंड डे हमारा बांग्लादेश में, क्योंकि फर्स्ट डे का हमारा कल था और आज सेकेंड डे। तो भाई जा रहे हैं, ये देखो रास्ता थोड़ा डेंजर जोन, रिस्क लेके भाई तो आराम जा रहा, मैं भी आराम जाऊँगा, लेकिन नीचे ईंटें हैं, ऐसा नहीं है भाई गिर गया ना कसम से, टूटेगा थोड़ा सा अगर गिर गए। हाँ ये डूब तो गया लेकिन गिर गया ना तो भाई मुँह ही टूटना है, तो थोड़ा ध्यान से पैर रख रहा हूँ मैं, जब तक कंफर्टेबल जोन नहीं आ रहा मेरे को। ये देखो दूसरा भाई बॉडी बिल्डर सिक्स पैक ऐप देखो दिख रहे सिक्स पैक फाइनली पहुँच गए तालाब पे। ये देखो भाई मज़ा आ रहा है, बरसात में ठंड लग रही है, नहाएंगे हम यहाँ पे और देख सकते हो भाई तालाब कितना बड़ा है, पूरा सीन ये। और देखो कितना अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है भाई, टेरेस वेरेस बैठने का सिस्टम, शाम को आके आप बैठ सकते हो बोतल के साथ, अगर बोतल के साथ बैठने वाले ना बोतल के साथ बैठ सकते हो, वरना वैसे ही बैठ सकते हो। देखो बड़ा भाई हमारा एंट्री कर रहा है तालाब में, ए भाई स्लीपिंग है यहाँ पे, ओह माय गॉड बहुत ध्यान से पड़ेगा पैर को यार। सो फिलहाल कहना तो हमें आता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बैठ के नहाएंगे यहाँ पे, डर सा लग रहा है, कितना आगे तक है यार, दोनों चले गए ठीक है कूद के, और मैं अकेले यहाँ बैठ गया साइड में, तो भाई मेरे पैर ना आता नहीं है, सैंडल जोन है, पानी गर्म। स्विमिंग कर स्विमिंग ठीक है, हाँ यहीं से भाई देख रहा, छोटा बच्चा छोटा सा और तैर रहा कितने स्टाइल से। ये देखो फिनिशिंग देखो भाई बंदे की खतरनाक तरीके से, टू थ्री भाई एक बड़े के और बच्चे के बीच में ये चीज़ स्टार्ट हुई है, कौन तैरेगा ज़्यादा, तो भाई छोटा बच्चा अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं सीख पाया, आज का डे फेल हो गया हमारा सीखने से, तो हम कल परसों आएंगे तब सीखेंगे हम, बट सिखाता हूँ आपको भाई, थोड़ा सा डर सा लग रहा है मेरे को, घबराहट सी हो रही है यहाँ पे, देख सकते हो आप दोनों आएंगे मैं वो दिखाऊँगा आपको कितना मस्त सीन होगा, तो ये देख सकते हो भाई ये दोनों आ रहे हैं पैर से आ रहे हैं, देख सकते हो आप कितने स्टाइल से, ए ए ये अंदर भाई निकल गया, ए अब आगे छोटा सा आओ भाई अंदर दिखता सब अंदर का दिखेगा। नाम की नाम बोलो नाम तुम्हारे और एज क्या है, एज आयु कितना वर्ष, कितना वर्ष, आठ वर्ष, ओ माय गॉड भाई ये आठ वर्ष का है, देख सकते हो भाई कितना अच्छे से तैर रहा था। सो फाइनली क्या बोलते हैं हम तीनों भाई निकल चुके हैं, क्योंकि देखो दूसरा भाई तो ये रहा और तीसरा भाई भी थोड़ा रुक गया बीच है, क्योंकि कुछ लोग ताश खेलते थे वहाँ पर, और लोगों में सुबह मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि खेलो, तो मैंने बोला कि भाई गलत किया मैं, तो उनको लगा कि मैंने उनको गलत बोल दिया, तो इसलिए वो वहाँ पर थोड़ा सा रुक गया है, तो डिस्क्लोज करने के लिए कि हाँ भाई वो ऐसा नहीं बोला था, उसका इंटेंशन कुछ और था, वो समझाएंगे। फिलहाल हम निकल गए जगन्नाथ यात्रा के रथ यात्रा के लिए, ये बेसिकली कोलकाता में और यहाँ पे बांग्लादेश में सबसे बड़ी यात्रा होती है, तो उसके लिए मोस्टली लोग अपनी लीव लेके आते थे, छुट्टी लेके आते, तो इसलिए हम निकल चुके हैं। और बाकी देख सकते हो कि एक बंदा, मैं आपको सामने दिखाता हूँ कि ये कन्फ्यूज़ है कि हम कर क्या रहे, और आप देख सकते हो इसको फेस, इसका देख सकते हो कितना ख़तरनाक फेस हो रहा है भाई। और अब हम वेट करेंगे यहाँ टेम्पो का, शायद आ भी गया है, देखो एक तो आ रहा है, लेकिन
हम वेट करेंगे भाई का। तो फिलहाल पहुँचते हैं, सीधा पहुँचाते हैं आपको, दिखाते हैं आज की रथ यात्रा। भाई देख सकते हो पूरा पानी कहाँ तक है, कोई भी घर नहीं है, देखिए साइड कोई भी, सीधा पानी 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 भाई। मछलियाँ मछलियाँ देख सकते हो अंदर, डीपली ज़्यादा तो दिखाऊंगा नहीं, बस इतना है। और ये देखो रोड, और ये भाई वेटिंग कर रहे हैं। देखो भाई बाइक आने के बाद हम बैठे हैं रिक्शे में, और पीछे हमारा भाई बैठा हुआ है, हम ये बैठे हुए। तो देख सकते हो कि अब जाएंगे बेसिकली हम रिक्शे से, जो कि भैया चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम टेनिस हाँ चलाओ। क्योंकि पहले हम आए थे बाइक से, क्योंकि यहाँ पे जो है बताया था मैंने आपको कि बाइक वाली सर्विस है, बट वो पर्सनल सर्विस है, मतलब ऑन ये नहीं कि कोई ऐप के थ्रू है। तो अब यहाँ पे चलते हुए चलेंगे आराम से, और सब लोग आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूज होकर देख रहे हैं, तो भाई मैं सीधे वहाँ जाके वीडियो करूँगा, यहाँ नहीं कर रहा वीडियो। तो मज़ा आ रहा भाई, देख सकते हो इसमें ये मैस वाला रिक्शा है, इसमें फिटिंग कर रखी है अपनी मोटर की, और कंटिन्यूसली उसको मैस दे रहे हैं, फिर चलता आगे थोड़ा सफ़र। भाई पहुंच गए, क्या बोलते हैं, रिक्शे से उतर के पैदल पैदल यात्रा कर रहे हैं तीनों भाई। भाई यहाँ पे हमने सेंटर फ्रेश खरीदी, मतलब ऐसा था 50 का नोट था, वो चेंज करके 30 में देते रिक्शे वाले को, तो मैंने सोचा सेंटर फ्रेश खरीदी। तो भाई मैंने बोला 10, तो वो कन्फ्यूज़ हो गया, तो भाई ने कंफर्म किया कि नहीं 5 दो, भाई उसने 10 रुपये काटे, तो यानी कि हाँ सेंटर फ्रेश के रेट तक भाई डबल है। तो भाई सही में अभी मैं बांग्लादेश में क्या गया मतलब एक्सप्लोर करूँ, मैं कन्फ्यूज़ होंगी, हर एक चीज़ तो कॉस्टली है, यहाँ ट्रांसपोर्ट कॉस्टली है, खाना कॉस्टली है, सब कुछ कॉस्टली है, तो नहीं सस्ता क्या है। अब देखो देखते हैं बाकी रथ यात्रा में पहुँचते हैं, और दिखाते हैं आपको रथ यात्रा। Thank you.
I'm going to go to the hospital.